हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान। मेरा नाम है सौरभ और एसक्यूएल सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं एंड और कंजम्पटिव ऑपरेटर्स। तो अब तक हम देख रहे थे कि सिलेक्ट क्वेरी के मदद से किस तरह से डेटा हम फेच कर सकते टेबल से, और उसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से हम वेयर क्लॉज के मदद से हम कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेयर क्लॉज में क्या हो रहा था, हम एक ही कंडीशन लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लिखना हो तो तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें उस आदमी की डेटा फेच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और उस एम्प्लॉय नाम के टेबल में से हमें उस व्यक्ति का डेटा निकालना है जो दिल्ली में रहता है एंड जिसका एज 18 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, दो कंडीशन हो गया, एड्रेस इज इक्वल दिल्ली एंड एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। तो एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन हो जाए तो हम तब हम एंड यूज़ कर सकते हैं या फिर और यूज़ कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के साथ डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सिंटैक्स वगैरह मैं नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का। यहाँ पर हम दो क्वेरी फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम दो क्वेरी यहाँ पर चलाएँगे और एंड और दोनों का इस्तेमाल सीखेंगे। तो पहला क्वेरी है कि बोला जा रहा है कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम एंड एज हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000। देखिए, यहाँ पे सिंपली दो कंडीशन है, उस एम्प्लॉय का नाम एंड एज हमें निकालना है जिसका सैलरी ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 25,000 से। तो यहाँ पे सिंपली और कंडीशन आएगा और ऑपरेटर आएगा। तो पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट नेम एंड एज, नेम कॉमा एज, नेम एंड एज को बोला गया है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, देखिए कैसे। तो ये हमारा आंसर होगा, सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉई। तो नेम और एज सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम वेयर क्लॉज के साथ यहाँ पे लिखेंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 होगा और सैलरी इक्वल 25,000 होगा। सैलरी या तो 25,000 से ज़्यादा होगा या तो इक्वल 25,000 होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो वो डेटा वो वहाँ से उठा लेगा। देखिए, यहाँ पे ये हमारा टेबल था, यहाँ पे 25,000 का इक्वल जो है ये राम और 25, तो ये वाला डेटा उठाया। और 25 से ज़्यादा जो है ये 60,000 वाला शाम 40, ये वाला डेटा उठाया। और 35,000 जो कि 25,000 से ज़्यादा है, तो ये वाला कॉलम उठाया, ठीक है। तो सभी के लिए, ये दोनों कंडीशन के लिए ही डेटा उठा रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन अगर अलग अलग से ट्रू हो तभी ये डेटा उठा लेगा। तो सिंपली रियल लाइफ में जैसे और का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी और का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, नेम एंड एज कॉलम हमने सिलेक्ट किया था इसलिए नेम एंड एज कॉलम आएगा। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त स्टूडेंट्स हमेशा गलती कर देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, फिर इक्वल साइन दे के यहाँ पर 25,000 लिख देते हैं, सेमी कॉलम दे के एंटर कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये दो कंडीशन है और दो कंडीशन को हमें और के साथ इस तरह से लिखना है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे बोला गया है कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स हु लिव्स इन दिल्ली एंड सैलरी इज 25,000। जाहिर सी बात है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ इसको हम एंड से जोड़ेंगे। यहाँ पे वेयर पे जो कंडीशन होगा, दो कंडीशन है यहाँ पे, लिव्स इन दिल्ली मतलब एड्रेस इज इक्वल दिल्ली होना चाहिए एंड सैलरी इज इक्वल 25,000 होना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स बोला गया है, तो डिटेल्स जब भी बोलते हैं हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद वेयर एड्रेस इज इक्वल दिल्ली इनवाइट कॉमा के अंदर एंड सैलरी इज इक्वल 25,000। तो हमें यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि ये एंड है। एंड पे क्या होता है, दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ता है तब जाके ये डेटा निकलता है। मतलब उस पर्सन को दिल्ली में रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका सैलरी 25,000 होना पड़ेगा, तभी वो डेटा को उठाएगा। तो यहाँ पे देखिए,
एड्रेस दिल्ली होना चाहिए और सैलरी 25,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सैलरी 25,000 है इस रो पे, सैलरी 25,000 है एंड एड्रेस दिल्ली है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो इस वाला रो को उठाएगा। और कोई रो पे ऐसा है क्या, दिल्ली में रहता हो 25,000 सैलरी हो? नहीं, और कोई रो पे ये वाला कंडीशन मैच नहीं करता, तो ये एक सिंपल फर्स्ट रो को उठाएगा और हमको आंसर दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार, तो हमें सारा डिटेल्स चाहिए। अगर आपको एक दो कॉलम्स का डिटेल्स चाहिए, एक या दो कॉलम्स चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉलम्स का नाम कॉमा देकर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर इस तरह से शो होगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।